हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोली और स्वागत है आपका रोलीज किचन में। आज हम बनाएंगे मिल्क पाउडर की बर्फी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। ये बहुत ही इजी होती है, इसलिए कोई भी बना सकता है। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा ली है और अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून घी डालूंगी। और अब हम इसमें 1/2 कप मिल्क डालेंगे। मिला लेंगे और अब यहाँ पर मैंने ये 1.5 कप मिल्क पाउडर लिया है, तो वो हम इसमें धीमे धीमे करके ऐड करेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। इसमें धीमे धीमे करके ऐड करने हैं। आप कोई भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर नेस्ले का मिल्क पाउडर लिया है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। और अब मैंने यहाँ पे ये 1/2 कप पाउडर शुगर लिया, तो वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। इसे मिक्स कर लूंगी और अब हमें इस स्टेज पे लगातार चलाना है। इसे मिल्क पाउडर की जो बर्फी है वो बहुत ही जल्दी बन जाती है और खाने में बिल्कुल मावे की बर्फी की तरह ही लगती है। बनाना बहुत आसान है और खाने में टेस्ट बिल्कुल मार्केट की तरह ही आता है इसका। फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे और हम इसे लगातार ऐसे चलाते हुए कुक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो मिक्सचर है वो अभी कितना गाढ़ा हो गया। तो इस स्टेज पर मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून इलायची पाउडर लिया, वो डाल देंगे। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसकी जगह पर आप रोज एसेंस भी डाल सकते हैं। जो हमारा मिक्सचर है मिल्क का, वो इतना गाढ़ा हो गया है। इस स्टेज पर हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इसे चलाते रहना है। देखिए ये इकट्ठा होने लगा है, आप देख सकते हैं। अभी हमें 2 से 3 मिनट और लगेंगे इसे कुक करने में। बस इसको बनाने में हमें एक चीज का ध्यान देना है कि हमें इसे लगातार हिलाते रहना है, वरना नीचे से लग भी सकता है और इसमें लम्स भी पड़ सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी बर्फी है वो बिल्कुल सेट होने के लिए अब रेडी है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस स्टेज पे हम गैस को बंद कर देंगे। अब मैंने यहाँ पे एक थाली ली है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी लगाया, तो इसे हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि जब हम अपनी बर्फी निकालें तो वो उसमें चिपके नहीं। और हम जो हमारा बर्फी का मिक्सचर है वो हम इसमें निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो सारा मिक्सचर था बर्फी का, सो मैंने थाली में निकाल लिया है और अब इसे हम फैला लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो बर्फी उसे फैला दिया, तो मैंने यहाँ पे थोड़े से पिस्ता और बादाम दिए हैं, वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। ये देखिए, तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में या फिर बाहर रख करके इसे रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारी बर्फी जो है वो अपसेट हो गई है। तो चलिए हम अभी इन्हें पीसेस में कट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी मिल्क पाउडर बर्फी है वो बनकर तैयार है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।